मैं हूं अमित और ये है एक बहुत ही कमाल की और बहुत ही मजेदार चीज, लेकिन थोड़ी सी खतरनाक चीज भी। तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि भाई आज की वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज को प्लीज ट्राई मत करना, क्योंकि ये काफी डेंजरस, काफी खतरनाक हो सकता है, पहले ही बता रहा हूं, लेकिन मजा काफी आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक प्लीज पूरा देखना यार। तो यहां पर आज हमारे पास में है ये, आपको दिखाई देते हैं इसके अंदर क्या चीज है, खींच लो, ये देखो ये, रुक जाओ, उलझ गई। तो गाइज ये है हमारे पास में एक राइफल, और मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि ये जो है एक एयर राइफल है, ये जो है एक एयर से चलने वाली बंदूक है, ये जो कोई असली वाली बंदूक नहीं है, यानी कि वैसे ही असली ही है, लेकिन ये एयर पिस्टल है, सॉरी एयर गन है, पिस्टल नहीं है, ये राइफल है। लेकिन भाई साहब इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, इसका मतलब ये इल्लीगल नहीं हो सकती, इसको जो है कोई भी आदमी अपनी सेफ्टी के लिए रख सकता है, इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यार बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि गाइज भले ये चलती जो है हवा के दम पर है, लेकिन ये भी जो है बहुत तेज फायर कर सकती है और चोट पहुंचा सकती है, और किसी की आंख में, नाक में, कान में अगर गोली वोली लग जाए तो सीरियसली बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, बड़े ध्यान से करने वाले हैं, एकदम खुले एरिया में है जहां पर जो है कुछ भी नहीं है। और आज क्या करेंगे भाई साहब, आज हमारे पास में यहां पर है बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक के कैंस, यहां पर हमारे पास में पेप्सी है, मिरिंडा है, यहां पर हमारे पास में ड्यू है, सेवन अप है, इनको इससे शूट करेंगे और इसकी पावर देखेंगे कि इसमें कितना दम। तो फटाफट से शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से ठोक देना। दोस्तों ये एयर राइफल जनरली तो स्पोर्ट्स में यूज होती है और कभी कभी खेतों वगैरह की सुरक्षा में भी यूज होती है, और ये जो है एक्चुअली में स्प्रिंग लोड मैकेनिज्म पे चलती है। और ये जो भाई आपको इतनी बड़ी पिस्टल दिख रही है ना, इसका वेट भी काफी होता है, ये मतलब खिलौने वाली गन बिल्कुल नहीं है जो प्लास्टिक की आती है, ये जो पूरा लोहे का फ्रेम बना हुआ है, ये पूरा मेटल है, यहां तक ये वाला हिस्सा प्लास्टिक का, लेकिन इसके अंदर भी मुझे लगता है मेटल होगा, और हाथ में पकड़ने पर भी ये फील होती है। कम से कम इसका जो वेट है वो कम से कम 3-3.5 किलो मेरे हिसाब से होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कैसे काम करती है, ठीक है। हो गया काम, अब जब हम इसको फायर करेंगे तो वो जो हमने इसमें पहले डाला है वो बड़ी जो है तेज स्पीड के साथ में जाएगा, और वैसा ही आइडिया है कि उसी छर्रे का यूज करके हम जो है इन कैंस को उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक कैन के साथ में शुरुआत करते हो, देखते क्या होता है। तो भाई सब कुछ तैयार है, मारते हैं निशाना इन 3-2-1। ओ हो गाइस, देखा इसका पावर यार, शूट भाई साहब, जो कैन है उसकी हालत देखो जरा एक बार, इसको पकड़ना भाई, कैन देखो एक बार, कैन खुल चुका है एक झटके में ही, और यहां पर था देखो एक बार, ओहो, और इसकी जो गोली है मुझे नहीं लगता कि वो हमको यहाँ कहीं मिलने वाली है, ऐसे तो वो मुझे नहीं लगता, बहुत छोटी सी है, लेकिन यार गाइस देखना चाह रहे थे, और पता है जो गोली है वो आर पार निकल गई, इधर से ये फटा हुआ है और यहाँ से देखो यहाँ से निकली है, ये पीछे से भी फटा हुआ है, देखो मैं आपको होल दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहा दिख पा रहा है होल, इसमें ये होल है, इधर से फटी है और इधर से भी फटी है, यानी कि एक साइड से घुसी दूसरी साइड से निकल गई, बाकी तो स्लो मोशन देखकर ही पता चलेगा।
पर यार देखो कितना ज़्यादा पावर है इसके अंदर। छोटे से जो इतना सा एक हमारा पैलेट था, छोटा सा एक छर्रा इसमें आके लगा था, इसलिए कह रहा था भाई प्लीज ट्राई मत कर लेना ऐसा कुछ। दोस्तों इस बार दो कैंस हमने रखे हैं, सेवन अप का और मिरिंडा का, ठीक है। इनको करते हैं शूट इन 3 2 1 गो। अरे यार ओ शूट, अबे दोनों गए। ओह सो पकड़ो भाई। अबे यार ये देखो दो कैंस उड़ा डाले इसने इस बार। गाइस पावर देख रहे हो एयरगन का। ये कैन पिछली बार वाली हालत, ग्रीन कलर का कैन है, इधर से बुलेट गई इसको फाड़ा, दूसरे साइड से निकली, ये देखो यहाँ से फटा हुआ है, फिर अगले इस कैन में घुसी और इसमें दूसरे साइड से यहाँ से निकली, यहाँ से ही फटा है, इधर से घुसी इधर से निकली, दो कैंस को उड़ा डाला। अब तीन रख के देखते हैं इन 3 2 1 गो। इन 3 2 1 गो। Three, two, one, go. 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 और हो गया कल्याण भैया, तीनों फोर डाले। यार गाइस इसकी पावर क्या है यार। ओ हो तीसरा कहाँ है, एक दो तीसरा कहाँ है भाई, ये रहा। तो गाइस तीन कैन थे इस बार और तीनों के तीनों जो हैं वो यहाँ पर फट चुके हैं। सबसे आगे आई थिंक ये रखा था, ये फटा, इधर से गोली निकली पीछे से, यहाँ पे होल है, पास आके दिखाओ, ये होल है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। उसके बाद में सेकंड पे ये था, सेकंड पे ये रखा था मिरिंडा का, इधर से घुसी इधर से निकली, ये देखो होल है इसमें। उसके बाद तीसरे में घुसी इधर से और इधर से निकल गई, ये होल रहा। तीन कैंस को क्रॉस करके जो बुलेट है वो जा चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ये फिर से अब जो है बुलेट मिलने वाली है। और मेरे ऊपर जो है बहुत सारा यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक आ गया। तो गाइस अब एक लास्ट ट्राई और करते हैं, मुझे उम्मीद हालांकि थी नहीं, चार कैंस लगाते हैं, क्या चार के आर पार जा पाएगी क्या। 3 2 1 गो। ओ तेरी, अबे चारों गए क्या। 3 2 1 गो। 3 2 1 गो। ओ तेरी। 3 2 1 गो। गाइस इस बार भी जो है 1 2 3 ये रहा चौथा। और तो भाई यहां पर एक कैन पेप्सी का बच गया है। तीन कैंस को इस बार भी हमारी एयरगन ने, एयर पिस्टल ने उड़ा डाला है। और यहां पर भाई साहब जो बुलेट है वो यहां पड़ी हुई है, जो इसकी गोली है, ये रहा हमारा छर्रा। देखो ये जो है लंबा सा था शेप में, पर अब इसकी जो शेप है वो बिगड़ गई है थोड़ी सी, ये छोटा हो गया और इसका आगे का हिस्सा ये जो है ये बड़ा हो गया। ये मुझे लगता है जैसे ही कैंस के ऊपर टकराया उसके बाद में ये जो है साइज़ बड़ा हो गया। और इस कैन तक तो यार मुझे लग ही नहीं रहा कि कुछ भी पहुंचा है, इस कैन तक कुछ भी मुझे इम्पैक्ट नहीं लग रहा। शुरू के जो तीन कैंस थे वो तीनों उड़ चुके हैं, यहाँ पर फट गए ढंग से। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, आपने ये देखा होगा कि जो एयर पिस्टल होती है, जो एयर राइफल होती है बेसिकली, उसके अंदर भी कितना दम होता है, इसमें कोई बारूद नहीं होती,
इसके अंदर कोई गोली नहीं होती, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता इस तरीके का, सिर्फ हवा के पावर के ऊपर ये चलती है और इतना तगड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा तो आया ही होगा, उसके लिए लाइक का बटन जरूर ठोक देना। फिर से बता रहा हूँ कि ये जो एयर गन है ये भले ही जो है बिना बारूद वाली है, बिना लाइसेंस वाली है, लेकिन गाइस यार ये जो है काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, और ये जो है भाई नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए आपको कह रहा हूँ। पावर आपने देख लिया ऑलरेडी, मज़ा आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।